नमस्कार, आप देख रहे हैं महाकाल एक्सप्रेस। महाकाल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गौरव पांडे। आपको ले चलते हैं प्रयागराज की ओर। प्रयागराज के घोरपुर में भव्य महाआरती अष्टमी माँ कर्माइन देवी धाम में आयोजित किए गए। प्रयागराज जिले के घोरपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव कर्मा में प्राचीन माँ कर्माइन देवी मंदिर स्थित है, जो कि इस नवरात्रि में बड़े ही धूमधाम से माँ की पूजा अर्चना की गई और आरती का आयोजन किया गया। आपको बताते चले कि वहाँ के प्रमुख पुजारी नंदू गोस्वामी के बताए अनुसार उस मंदिर के बारे में हमें काफ़ी जानकारी प्राप्त हुई और साथ ही भक्तगणों से भी काफ़ी जानकारी प्राप्त हुई। और उस मंदिर में सबसे बड़ी बात यह हमें देखने को मिली थी कि काफ़ी दूर दूर से भक्तगण आए हुए थे, जिसमें सम्मिलित सहकर्ताओं के नाम श्री लाल बहादुर कुशवाहा, श्री केशव प्रसाद पांडे, श्री संतोष जायसवाल, श्री ऋषि राम पांडे व समस्त ग्रामवासी उपस्थित रहे। देखते हैं प्रयागराज घोरपुर से संवाददाता अभिषेक मिश्रा की खास रिपोर्ट। चाची जी, हमें भी इस मंदिर के बारे में आप कुछ बताइए, आप इसके विषय में मंदिर के। आप यहाँ से कब से आ रही हैं? हमको 20 साल हो गए। अच्छा, तो ये जो आरती आज हुई है इसके विषय में आप कहते क्या, हर वर्ष के बाद आप पहुँचती हैं? तो हर वर्ष आप पहुँचती हैं। अच्छा, तो आरती आपको मिलती है तो हर मतलब आप रेगुलर यहाँ आती हैं या फिर कि जब आते हैं शाम के नहीं आते हैं? अच्छा, आज महाआरती है, कल भी है, तो अच्छा। तो आपको यहाँ आने से कैसा मतलब कि महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा लगता है। बड़ी खासियत क्या है इस मंदिर की? खासियत ये है कि यहाँ जो भी लोग आते हैं, जो भी मन्नतें मांगते हैं, माँ शक्ति मन्नतें पूरी करते हैं। ये किस नाम से मंदिर विख्यात है? ये मंदिर माँ कर्माइन देवी धाम के नाम से विख्यात है। ये कर्मा का बहुत प्राचीन मंदिर है। आपको यमुना पार की बहुत प्राचीन मंदिर है। यहाँ काफ़ी दूर दूर के लोग आए हैं। एक लोग इलाहाबाद के थे, अमेरिका शिफ्ट हुए, वहाँ से लौट के आए थे, तो यहाँ शंकर जी के मंदिर का स्थापना की है। और काफ़ी दूर दूर के लोग यहाँ आते हैं। यहाँ 9 दिन जैसे यहाँ नवरात्रि में ऐसे ही लोगों की भीड़ लगी रहती है? यहाँ कंटिन्यू ऐसे भीड़ रहती है। अच्छा, सुबह भी शाम? सुबह भी शाम में, सुबह भी आपके यहाँ भीड़। कल नवमी का, जैसे कि आप जानते हैं, नवमी का दिन है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा नया वीडियो आने वाला आपको जल्द से जल्द मिल जाए। और हमारे बेल आइकन को टैप करना ना भूलें।